श्री अर्गला स्त्रोत्र। मार्कंडेय जी बोले, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु कैटभ को मारने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली चंड मुंड का नाश करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। शुंभ निशुंभ धूम राक्ष का मान मर्दन करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। सब प्राणियों द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। हे देवी आपका रूप चरित्र अचिंत्य है। आप सब प्रकार के शत्रुओं का विनाश करने वाली आप मुझे रूप दे, जय दो, अश दो, काम क्रोध का नाश करो। हे पापों को हरने वाली चंडिके जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। हे व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। हे देवी हमारा कल्याण करो। हमें उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। हे देवी हे अंबिके आपके चरणों में देवता और असुर दोनों अपने माथे के मुकुट को मणियों को घिसते रहते हैं। आप अपने भक्तों को रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। हे देवी अपने भक्तों को विद्यावान यशवान लक्ष्मीवान बनाओ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके बड़े बड़े दैत्यों का अभिमान चूर्ण करने वाली देवी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। चार भुज आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। चार मुखों वाले ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित चार भुजाएं धारण करने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी हिमालय सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। हे परमेश्वरी इंद्राणी के पति इंद्रदेव भी आपकी स्तुति करते हैं। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का हमारे नाश करो। हे देवी आप प्रचंड भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड चूर्ण करने वाली हो। आप हमें रूप दे, जय दे, यश दे, काम क्रोध शत्रुओं का विनाश करो। हे अंबिके आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली देवी हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मन की इच्छा अनुसार चलने वाली तथा कठिन संसार सागर से पार लगाने वाली श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली सुंदर स्वरूप वाली पत्नी दो। जो पुरुष इस अर्गला स्त्रोत का पाठ करके महा स्त्रोत किलक का पाठ करता है वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। बोलिए अम्बे मात की जय। श्री किलक स्त्रोत्र। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्र व्रत में इस स्त्रोत का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, ओम मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभायमान है। जो व्यक्ति इन किलक मंत्रों को जानता है वही
पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है, जो अन्य मंत्रों के साथ सप्तसती स्त्रोत से देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तसती की उपासना से या सप्तसती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो क्या समस्त उच्चाटनादि इसी में से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्त्रोत है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तसती नामक स्त्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, अतः इस किलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा महादेव ने इसे किलित कर रखा है, इसीलिए इसका निष्किलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्ध गण या गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः किलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तसती का पाठ आरंभ करे, ऐसा न करने पर उसका नाश होता है। किलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्त्रोत्र निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की कृपा का फल है, इसीलिए इस कल्याणकारी स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इस स्त्रोत का धीरे धीरे पाठ करने से स्वल्प फल मिलता है, इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करना चाहिए। बोलिए अम्बे मात की जय, शेरावाली की जय, बोलो पहारा वाली की जय।